रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या को हल हारिणी अमावस्या कहती है। यह किसानों के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। इस दिन खेती नहीं की जाती, हल और बैल की पूजा की जाती है। इस साल आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि 2 दिन यानी कि 28 और 29 को रहेगी। अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए हल हारिणी अमावस्या बहुत ही खास है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने का भी महत्व है। कहा जाता है कि हल हारिणी अमावस्या पर बेल का पेड़ लगाना चाहिए। इस दिन यमुना गंगा नदी में स्नान भी करना चाहिए। दरअसल 28 जून को श्राद्ध कर्म की अमावस्या और 29 जून को स्नान और दान की अमावस्या है। इस दिन हो सके तो सत अनाज का दान करें। अमावस्या तिथि 28 जून को सुबह 5:53 से शुरू होगी और 29 जून को सुबह 8:23 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण हल हारिणी अमावस्या 28 जून को और 29 जून दोनों ही दिन मनाई जा रही है। मंगलवार को अमावस्या तिथि होने के कारण इस संयोग में मंगल दोष निवारण के लिए पूजा की जा सकती है। हल हारिणी अमावस्या के दिन हल का पूजन किया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य किसी शुभ काम की शुरुआत से पहले भगवान को धन्यवाद देना है। इस दिन कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जिनसे मानसिक सुख शांति के साथ पारिवारिक कष्ट भी दूर होंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि इस दिन सर्वासिद्धि योग भी बनने जा रहा है। और दोस्तों, मंगलवार का दिन सर्वासिद्धि योग का बनना और आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि का होना, दोस्तों यह सारे ही संयोग एक बड़ा महासंयोग बना रहे हैं जो कि कुछ विशेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। इन राशि वाले लोगों के ऊपर अब भगवान हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम जी के भक्त हैं, वहीं ये बात भी सच है कि श्री राम जी के हनुमान जी बेहद ही प्रिय हैं। यही कारण है कि अगर हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है तो उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से हनुमान जी की आराधना करता है उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। वहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह आने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी कुछ विशेष राशि वालों के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं जिससे कि अब ये राशि वाले अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे और इनको बहुत सी बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली राशि है तुला राशि। बता दें कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर बजरंग बली जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इनके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं भी अब दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपको सुबह के समय उठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा क्योंकि इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे
कि भगवान बजरंग बली की कृपा से अब आपको सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आप अपनी सेहत के प्रति हालांकि इस दौरान सावधान रहें, वाहन का उपयोग करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। बता दें कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर बजरंग बली जी की विशेष कृपा दृष्टि यह पड़ने वाली है, जिसकी वजह से अपने जीवन में अब ये लोग बहुत से परिवर्तन देख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है। बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न होगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। आपको हम बता दें कि इस दौरान आपको अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके द्वारा की गई यात्रा लाभदायक रहेगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बता दें कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर अब हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, इसकी वजह से ये अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मकर राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार में अभी उन्हें भारी धन लाभ होगा, और साथ ही साथ आपके व्यापार में विस्तार भी हो सकता है। आप अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन भी ला सकती हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही इनका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं अगर आप सच्चे मन से बजरंग बली जी की आराधना करती हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले लोगों के ऊपर अब हनुमान जी की कृपा बरसने वाली है। इनका समय बहुत ही आनंददायक गुजरने वाला है। अगर ये लोग बजरंग बली की आराधना करके दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं वह तेज़ी से बनेंगे। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी भी मेहरबान रहेंगी, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आपको सोच विचार करके ही अपने इस दौरान हर कार्य करने चाहिए। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले लोगों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जिन कार्यों को आप मन लगाकर करेंगे उसमें आप लोग तेज़ी से सफलता प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, बजरंग बली जी के नाम से शुरू किया गया हर कार्य आपको सफलता देगा। आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां भी अब दूर होंगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।